गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके पीवीआर स्टडी में। इस समय सुबह के 8 बज चुके हैं और आपकी 10th की मैथ शुरू हो चुकी है। क्लास को ध्यान से देखना और पूरा देखना, सब कुछ समझ में आएगा। चलिए, आज एक प्रकार से आपकी पहली क्लास होगी, यानी कि पहले चैप्टर की पहली क्लास। ऐसा क्यों? क्योंकि पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ाया नहीं गया था, ख़त्म तो हो गया था, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ आप लोग कन्फ्यूजन में थे। चलिए, हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसको समझने की कोशिश करना। जैसे आप जानते हो कि हमने अगर भाग दिया 12 में किसका, 3 का, तो ये 4 बार गया, यहाँ पर 12 आया और ये 0 आया, तो इसको आप जानते हो कि शेष बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और जिसमें भाग करते हैं इसको भाज्य बोलते हैं, अभी इंग्लिश में भी बताएंगे। इसको रिमाइंडर बोलते हैं, डिविडियन, क्वेशियंट एंड डिवेजर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, ध्यान देना। इसके बारे में एक फार्मूला होता है, वो ये होता है मित्रों कि भाज्य बराबर ये भाजक गुणा भागफल और धन शेष, ये सूत्र होता है और यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है। लेकिन इसको आसान बनाने के लिए कुछ ऐसे तरीका प्रयोग किया गया है, वो कैसे, वो इस तरह से प्रयोग किया गया है कि भागफल को Q से डिनोट किया गया है और भाज्य को किससे, भाज्य को किससे, A से डिनोट किया गया है, मतलब A से प्रदर्शित किया गया है। अभी सूत्र दिखाएंगे आपको, इसको R से प्रदर्शित किया गया है, ठीक है, ध्यान देना, अभी सब कुछ आपके सामने आएगा। पहले फार्मूला लिख देते हैं, ये होता है a इक्वल वी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर जो हो गया वो क्या हो गया, भाजक गुणे भागफल, भाजक यानी कि ये क्या, b से, ठीक, और धन शेष फल मतलब रिमाइंडर। ये सारे नंबर आपने देख लिए ना, देख लिए ना, यानी कि जो मैंने फार्मूला लिखा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल, ये कितना बड़ा जा रहा है ना, इतना लिखने में काफ़ी जगह लगेगी, तो इसको शॉर्टकट में फार्मूला बना लिया गया है, a इक्वल बी क्यू प्लस आर। ये क्या हो गया, इसका सूत्र हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होगी कि जो r होगा, r वो क्या होगा, वो जीरो से या तो बड़ा होगा या फिर जीरो के बराबर होगा, मतलब r का मान जीरो से छोटा नहीं होगा। कहने का ये मतलब है कि ये माइनस में नहीं होगा। अरे जी, ऐसे समझ लो इसको, जैसे अगर कहा जाए कि 13 में भाग करो 3 का, तो 3 चौक 12 ना, घटाने पर एक आया ना, एक आया ना। ऐसा तो नहीं है कि इसका भाग हम 5 बार ले जाएंगे और यहाँ 15 लिख देंगे, यहाँ 15 लिख देंगे और इसको घटाएंगे तो माइनस का 2 लिखेंगे, ये गलत है, फिर ये नहीं लागू होगा। यही कहने का यहाँ मतलब है कि ये माइनस में नहीं हो सकता। भाई सिंपल सी बात है, अगर माइनस में करोगे तो भाग गलत हो जाएगी और भाग गलत नहीं करना है, ठीक। तो बस ये क्या है, फार्मूला है आपका, ये सूत्र है, ठीक है ना, बात पक्की। चलिए आगे चलते हैं, तो इसमें एक बात और भी है, और ये जो है क्या होगा, b से छोटा होगा, b से छोटा मतलब भाजक से छोटा होगा, भाजक मतलब जिससे भाग देते हैं। वैसे भी सिंपल सी बात है, आप जिससे भाग करोगे जो शेषफल आता हमेशा छोटा ही होगा, छोटा होगा ना, कैसे, इधर एक छोटा सा बात देखना, अगर छोटा नहीं होगा तो क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि r जो है वो हमेशा b से छोटा होना चाहिए, यानी शेषफल जो है वो किससे, भाजक से छोटा आना चाहिए, भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो भाग गलत है। इसका मतलब अभी और भाग जाएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पुश करिए या फिर पीछे करके देख लीजिएगा, देखिए कैसे, हमारा बताने का तात्पर्य समझना यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमारे कहने का ये मतलब है कि जैसे अगर हमने भाग किया है किससे, 37 में भाग किया 5 से, तो ये 5 × 7 = 35, घटाया तो 2 आया ना, शेषफल 2 आ रहा है ना। अब इसको भाग को यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ज़रा नज़र से देखो तो 5 क्या है, 2 से बड़ा है ना, यानी शेषफल छोटा है, भाजक बड़ा है ना, है ना बड़ा। एक एग्जाम्पल और देखना, जैसे अगर हम देखते हैं वो क्या है, आप जानते हो कि ये 14 है और ये क्या है,
एक मिनट, इसको मैंने 15 कर दिया, ये हो जाएगा 2 से 14, एक बचेगा और ये हो गया 0। अब ध्यान देना, 2 से भाग करेंगे तो 2 सते ये हो जाएगा 14, घटाएंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 0 उतार लेंगे। इस भाग को यहीं पर छोड़ नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि शेषफल बड़ा है, भाजक छोटा है। और यहां पर क्या कह रहे थे हम, यही तो कह रहे थे ना कि आर का मान शेषफल छोटा हो जाए बस, मतलब बी बड़ा हो जाए, बी मतलब ये बड़ा हो जाए। तो बड़ा कब होगा ये, इसको एक बार और भाग ले जाओ तो 5 बार जाएगा, 2 पंचे 10, देखो घटाने पर 0 आ गया। अब देखिए आर शेषफल और ये भाजक मतलब बी, देखो बी बड़ा हो गया आर छोटा हो गया ना, लेकिन यहां छोड़ देते तब ये बड़ा था ये छोटा था। तो ये हमें फॉलो करना है, यही पालन करना है, यही हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेय है। चलिए अब इसका पालन करवाते हैं। कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से देखना और पूरा देखना, भले आप 15 मिनट में एक ही सवाल लगाइए लेकिन समझ में आना चाहिए, बस यही बड़ी बात होती है। तो मित्रों इसको हम 2 तरह बताएंगे आपको, आप दोनों तरह में से कोई भी तरह सीख लो, कोई गलत नहीं काटने वाला। पहला नंबर तो आपको एलसीएम और एचसीएफ आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो एलसीएम नहीं आता या फिर एलसीएम या एचसीएफ लिख करके कमेंट करिएगा, हम आपको सिखा देंगे, क्योंकि वो 0 लेवल मैथ में होता है, यहाँ पर नहीं होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि 12 18 का एलसीएम बताओ, 12 18 का एचसीएफ बताओ, 6 का 12 का और 18 का एचसीएफ बताइए, एलसीएम बताइए, अगर ये नहीं आता है तो बताइएगा, फिर ये ना आएगा, ठीक ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना, अब हम ये करने वाले हैं कि इसमें 4 है ना, 4 दिए गए हैं, तो माना हम इसको मान लेते हैं सभी को, ए इक्वल सबसे बड़ा वाले से मान लेते हैं और बी इक्वल 567 और सी इक्वल 441, हमने इनको ए बी सी मान लिया क्योंकि 3 है, ठीक। हमें निकालना है इनका एच सी ऑफ यूक्लिड विभाजन परिमेय से, तो पहले का पहला का 2 मिला लो, फिर लास्ट वाला 2 मिला लो, मतलब तो एक ही होगा, ठीक है, ए व बी से। तो मित्रों ये हो जाएगा 693, इसको भाग करोगे 567 से, एक बार जाएगा शायद, है ना, भाग करके देखो कितना जाएगा, एक ही बार तो जाएगा ना, करके देख लो कितना आएगा, 126 के आसपास आएगा, 13 में से 6 गया, 7 गया 6, 8 में से 6 गया 2 और ये 1, ठीक। अब क्या करोगे, इस 126 से फिर भाग करोगे किसमें, इस 567 में, ये भाग विधि से एच सी एफ है, जानते हो ना पहले से। अब ये 2 बार ले जाओगे, 12 चौका कितना हो जाएगा, 48, लगभग 4 बार जाएगा। अब इसको मैं ना बताऊंगा कैसे जाएगा और क्यों जाएगा, 4 बार कितना बार जाएगा, ठीक। 4 बार ले जाओगे, 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, घटाओगे तो यहाँ पर आएगा 3 और ये 6 63। अब 63 से फिर से भाग कर दो 126 में, कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 3 6 2 6 12। यहाँ पर आप एक बात गौर करेंगे कि 63 से ये पूरा पूरा कट गया है ना, कट गया ना, यानी कि अब आप कह सकते हो कि इन दोनों नंबर का जो एच सी एफ है वो 63 है, क्या है, 63 है। लेकिन अभी यहीं पर आप इसे ख़त्म नहीं कर सकते हो गेम, क्यों, क्योंकि हमारे पास 4 पद थे और हमने केवल 2 पद का प्रयोग किया अभी, ठीक है। अब 2 पद और जो बचे उनको भी प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर आप नीचे लिख सकते हो, क्या लिखें, यहाँ साइड लिख दें, आता है 693 कामा ये 567 का एच सी एफ इक्वल 63, इसको लिख लेना, पहले इसको करना फिर इसको लिख लेना, उसके नीचे लिखना अगला लाइन में अब जाएगा, करके देखो अब क्या हो जाएगा। देखो इन दोनों नंबर का एच सी एफ आ गया 63 है ना, जो एच सी एफ आया है उस एच सी एफ के साथ अब जो नंबर बचा है उसका एच सी एफ करोगे, मतलब 441 का, 441 का 63 के साथ, तो इसका एच सी एफ करेंगे, देखो 7 बार जाएगा, ये कट गया मतलब 0 आ गया, अतः 4 4 7 नहीं है 1, तथा 63 का
HCF कितना आया? 63 ही आया। अब नीचे आप लिख सकते हो फाइनल में, अतः सभी को लिख दीजिए 693,567 तथा 441 का HCF इक्वल 63। बात समझ में आई ना? तो ये हो चुका है फाइनल में। इसका एक दूसरा तरीका भी है करने का, वो भी मैं आपको बता दूं अगर आप कहिए तो। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका में हो सकता है आपको थोड़ा परेशान होना पड़े। वो क्या है? दूसरा तरीका में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका ये है साथियों कि आपको रफ कार्य करना पड़ेगा। ये जो अभी हमने आपको बताया था वो रफ कार्य में करना होगा, क्योंकि आपका बेसिक इतना अच्छा नहीं होगा तो आपको रफ कार्य करना पड़ेगा। वो क्या है कि आप इनमें भाग करिए वैसे जैसे अभी हम किए थे, इसको ए माने थे इसको बी ना, तो आप ऐसे इधर भाग करोगे 567 693, है ना? एक बार ले जाओगे तो कितना आएगा भाग करके देख लीजिए, घटाओगे 126 आएगा लगभग, है ना? आया ना? अब ध्यान देना, जिसमें भाग दिए हो पहले उसको लिखोगे 693 बराबर, मतलब ये क्या हो गया? भाज्य हो गया। फिर देखना क्या होता है, सूत्र अभी हमने लिखा था ना, अरे जी ऐसे लिख लो, ये क्या होता है? भाज्य बराबर ये भाजक गुणे भागफल धन शेष। यूक्लिड विभाजन परिमेय में इसको देखेंगे तो ये होता है ए इक्वल बी क्यू धन आर। ये यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र है, ये देसी भाषा में है जो आप अभी तक पढ़े हो, मतलब वही है दोनों, ठीक? तो भाज्य यहां पर क्या है? 693 है। भाजक क्या है जिससे भाग किया गया है? 567 है। गुणे भागफल क्या है? 1 है। शेषफल क्या है? 126 है। ये पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन में क्या करेंगे? वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक हम करते आए हैं। अब ये 567 इसके लिए क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा। इसमें जब आप इसका भाग ले जाओगे तो कितना बार जाएगा पता है? 4 बार जाएगा। 4 बार ले जाओ, 4 6 24, 4 2 8 2 10, 4 1 5, घटा लीजिए ये आ गया 63, 63 आया ना? अब दूसरी लाइन में क्या करोगे पता है? फिर से भाज्य लिखोगे। इसका भाज्य क्या है? अब देखो इस वाले भाग से हमारा मतलब है, बस नीचे वाले भाग से, ऊपर से कोई मतलब नहीं। ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ, तो इसमें हो जाएगा 567 बराबर भाजक कितना है? 126 गुणे ये 4 भागफल है और 63 शेषफल है। ये 2 लाइन हो गई। रफ कार्य आपको अलग करना पड़ेगा, इसको आप लिखोगे वैसे यूक्लिड विभाजन परिमेय के लिए आप दोनों लिख सकते हो, जो अभी पहले बताया वैसे भी ऐसे भी, ठीक? वो ज़्यादा आसान पड़ेगा या थोड़ा ज़्यादा वो है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक? अब क्या करोगे? अब इस 63 के लिए ये क्या बन जाएगा? 126। ये हो जाएगा इसके लिए भाज्य। इसमें अगर भाग ले जाओगे 63 में तो कितनी बार जाएगा, है ना? 2 बार जाएगा लगभग, तो ये 2 बार जाएगा तो 126 हो जाएगा, 0 शेषफल हो गया। मतलब कहने का ये है कि फिर यहाँ पर 126 आ जाएगा और 63 गुणे 2 धन 0, हो गया ना ये? अब क्या करोगे? अब आप जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनका HCF कितना आ गया? HCF बराबर 63। मतलब जब 0 हो जाए शेषफल तो जिससे लास्ट में कटता वही HCF होता है। ये 1 का हो गया, मतलब जो इसमें 2 पार्टी थी उसमें से। अब क्या करोगे? अब फिर वही चीज लिखेंगे जो उधर हम लिखते थे। क्या लिखेंगे? अब सेकेंड स्टेप इसी में करेंगे। अब क्या जो छूटा था 441 तथा 63 से, 441 तथा 63 से क्या करोगे? जब इसको भाग करोगे तो आएगा 441 बराबर 63 गुणा 7 बार जाएगा लगभग, 0 हो जाएगा। यानी कि HCF इक्वल कितना हो जाएगा? 63। दोनों दशा में 63 HCF आ रहा है ना, यानी कि उत्तर कितना हो गया? 63 हो गया। नीचे आप लिख सकते हो अतः 441 567,693 का HCF इक्वल 63। बात समझ में आई ना? ये हो गया कंप्लीट, हो गया फाइनल में, खत्म हो गया।
तो मित्रों ये दूसरा मेथड था, सेकेंड मेथड था, और वो इसके पहले जो किया था वो फर्स्ट मेथड था। आप चाहे वैसे करो चाहे ऐसे करो, मतलब एक है हुआ, ठीक ना। तो ये ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। लेकिन चलिए अब क्या करना है, दूसरा सवाल है, मतलब क्वेश्चन नंबर 13। मित्रों आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक हमने पार्ट नंबर 1A और 1B में कर दिया है, मतलब इस क्लास का पार्ट नंबर 1A 1B। चूंकि ये पार्ट जो आप देख रहे हैं 1C है, 1C का मतलब एक्सरसाइज 1C नहीं, हमारी क्लास का 1C भाग है। जैसे पहला भाग हमारा था 1A, दूसरा 1B, तीसरा क्या है 1C, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा भाग आएगा, एक भाग में हम तीन क्लास आपको देते हैं। तो इसकी खासियत क्या है, पहले भाग में दूसरे भाग में हम शुरू वाले जो क्वेश्चन थे उनको शामिल कर लिए हैं, मतलब सवाल 1 से सवाल 10 तक। यूक्लिड एल्गोरिदम का उपयोग करके इन नंबर का HCF बताना है। दोनों तरीका मैंने बता दिया, सबसे आसान लगता है भाग वाला ना। तो चलिए पहले शुरू के दो नंबर ले लेते हैं, 378 और 180, इनको भाग करिए कितनी बार जाएगा, आप जानते हो दो बार लगभग जाएगा, तो ये 360 आएगा। घटा लोगे 18 आएगा, फिर से इसको भाग करोगे ये 10 बार जाएगा 180। बात फाइनल ना। यानी कि यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है कि संख्या 378 तथा 180 का HCF इक्वल क्या है, 18 है। बोलो है कि नहीं, इन दोनों नंबर का HCF 18 है, चूंकि 18 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब दूसरा झंझट क्या है, दूसरा ये है कि उसमें से कोई एक नंबर लेकर के और उसमें का अगला वाला नंबर लेकर के हम क्या करेंगे, उसको हल करेंगे। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 180 और 420 लेकर के कर लेंगे, ऐसे ऐसे आप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 18 54 18 74, आप जानते हो ना कितनी बार जाएगा, ये देखो लगभग दो ही बार जाएगा, तीन बार ज़्यादा हो जाएगा। ये जीरो आया, 12 से 6 गया 6, बस इतने आएगा। इसको जब आप भाग करोगे तो ये जानते हो ना, इसको करना तीन बार जाएगा 180। फाइनल में इसका HCF कितना आया, 60 आया। यानी यहाँ पर आप क्या लिखोगे, संख्या 180 कामा 420 का HCF इक्वल क्या आया, 60। देखिए दोनों के HCF अलग अलग हैं, इन दोनों नंबर का अलग है, उन दोनों का अलग है। HCF हमें सब का मिला के निकालना है, मतलब मिश्रित करना है। तो क्या करेंगे, इन HCFों का HCF कर देंगे। बात समझ रहे हो ना, आप क्या लिखेंगे, अब तीसरा स्टेप में लिख लेना नीचे, अतः 18 तथा 60 का HCF, 18 और 60 का HCF निकाल लोगे, फाइनल में आंसर हो जाएगा 18 53 54, घटाओगे 6 आएगा, 6 से फिर से 18 में भाग करोगे, यानी HCF कितना आया, 6 आया। बात समझ में आई ना। तो ये हो गया, बस इतना ही करना था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कुछ है नहीं, बहुत आसान है, नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। अब हम आपका कोर्स ख़त्म करेंगे 1-1.5 महीने के अंदर, फास्ट करेंगे, बहुत तेज चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है, थोड़ा घुमा फिरा के है, ध्यान से देखना। कह रहा कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 438 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 आए। साथियों अगर ऐसा कहीं मिलता है कि शेषफल आए और वो क्रम से कुछ आए, कहने का मतलब ये है कि वो संख्या बताओ जिससे भाग करने पर 398 में भाग करें तो शेषफल 7 आए, 438 में करें तो 11 आए और 542 में करें तो 15 आए, वो निकालना है। तो अगर ऐसा कहीं लफड़ा होता है, कोई भी जगह ऐसा मिलता है, तो क्या करोगे, जो शेषफल वाली नंबर दे रहा है ना जिसके सामने, उसमें से पहले उसको घटा लीजिए, घटाने के बाद तब आप निकालिए जो LCM HCF करते हैं, तब आपको कुछ नहीं करना होगा ज़्यादा, ठीक ना। बात समझ गए, तो फिर चलिए आगे चलते हैं। चलिए
बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा अगर, हाँ एक बात और देखना, अगर यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या है तो घटाने के बाद जो प्राप्त होगा उसका एचसीएफ निकालोगे, अगर छोटी से छोटी बोलता है यहाँ पर तो एलसीएम निकालते, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे हल, चूंकि शेष 7, 11, 15 बचता है, अतः ऐसा करके लिख लीजिएगा 398-7, 438-11, 542-15, घटा लीजिए जो भी आ जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 391, 391, इसमें से घटाओगे तो 38 और 137 आएगा, इसमें से घटाओगे 15 तो क्या आएगा पता है, 500 आता अगर 530 आता अगर 12 घटाते तो, है ना, लेकिन तीन और घटा रहे हैं तो 527 आएगा। इन्हीं नंबर का आपको क्या करना है, एचसीएफ निकाल देना, बस आपका आंसर हो गया। निकाल के देखिएगा, अच्छा लगेगा, आ जाएगा। गलत घटाया गया क्या? एक मिनट, सॉरी, देखिए इसमें से 37 है ना, इसको घटाओगे तो 25 आएगा जी, कितना आएगा, 438 है ना, इसको मैं कुछ और समझ रहा था, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इन सभी नंबर का एचसीएफ निकाल दो, बस यहाँ पर नीचे लिख दीजिएगा, चाहे अब 391,425 तथा 527 पर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर प्रयोग करके एचसीएफ निकाल दीजिएगा, एचसीएफ आ जाएगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। और आप करके बताइएगा कितना आएगा, कमेंट करके बताइएगा, सभी करेंगे, ठीक है, हर कोई करेगा, और करके आप देखोगे आंसर कितना आएगा, 17 आएगा, 17 आएगा, करके देखिएगा, कोशिश करिएगा, केवल और केवल एचसीएफ निकालना है। चलिए अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, और हाँ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को नहीं ऑन किया तो तुरंत कर लीजिएगा, जिससे आपको अगली क्लास मिल सके। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया आप पीबीआर स्टडी पेज को लाइक करके फॉलो करें, जिससे आपको अगला वीडियो भी मिल सके। अगर इंस्टाग्राम पर हैं, ट्विटर पर हैं, तो वहां भी हमें फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 15 आप होमवर्क करेंगे, ठीक है, 15 नंबर आप होमवर्क करेंगे। और आपको बता दें ये आपका जो क्लास चलता है वो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होता है, जो कि सभी बोर्ड और सभी स्टूडेंट्स के लिए मान्य होता है। इसके अलावा जो 10th में नहीं है उनके लिए भी, अगर उनको बेसिक सीखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होती है क्लास। डेली देखना है तो क्लास को ज्वाइन कर लें, जिससे उनको सारी क्लासें मिल सकें। आपका अभ्यास 1 का ये पूरा खत्म हो गया है, अब हम 1 का बी चलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसके पहले संख्या पद्धति, सॉरी वो समांतर श्रेणी, द्विघात समीकरण और वृत्त वगैरह बहुत सारे चैप्टर पहले खत्म हो चुके हैं, तो आप लोग उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर खत्म हो गए, ये मत सोचिए पहला ही है। अब चलेगा 1 का बी, अभ्यास 1 का बी। वैसे अगर बुक देखें तो मनोहर प्रकाशन सबसे स्टैंडर्ड बुक होती है हिंदी मीडियम में, उसी के अकॉर्डिंग होता है। आप अपनी बुक में मिलाएंगे सारा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन भी मिलेगा, मिला के देखिएगा। निम्नांकित कथनों को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, एक बार फिर से सुनिए, निम्नांकित कथनों को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बात समझ गए ना, के रूप में व्यक्त कीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ये तो टाइटल है ऊपर का जो मैंने बताया, निम्नांकित व्यंजकों को, इसको मैंने नहीं लिखा, निम्नांकित व्यंजकों को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, नोट कर लीजिएगा। व्यंजक क्या है, देखिए पहला है 140, 140, इसको अभाज्य गुणनखंडों के व्यंजकों के रूप में व्यक्त करना है, कर लोगे ना, इसका यानी गुणनखंड करना है, बस रख दीजिए अभी कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप लोग, फैक्टर तो कर लेते हैं ना, मतलब जैसे एलसीएम एचसीएफ का फैक्टर करते हैं वैसे ही, जैसे ये नंबर था 140 यानी कि 140, हाँ
ठीक है। तो इसके बाद अभी हम और भी आपको कुछ करवाएंगे, तो क्या करेंगे इसको आप देखिए, पहले सम संख्या है, सम संख्या है तो ये 2 से कट जाएगी, है ना, 2 से कटेगी तो 2 ही से काटेंगे पहले, तो 2 से कटेगा ये हो जाएगा 2 7 14 और 2 0 0। अरे ये तो आपको आता ही है, आप 0 लेवल मैथ पढ़े हो ना पहले से, तो फिर आप काफ़ी समझदार हैं। इस तरह से आप इसको लिख दोगे, 140 को बराबर करके इसके आगे लिख देना, ये 2 गुड़ा 2 गुड़ा 5 गुड़ा 7। आपको ये चीज़ नहीं दिखाना है, ये नहीं दिखाना, ये रफ का कार्य है, ठीक है, ये रफ का काम है, इसको नहीं दिखाना परीक्षा में, इसको कहीं साइड में कर लेना, केवल इतना दिखाना बस। देखो ये 2 बार शामिल है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का घात 2 गुड़ा 5 गुड़ा 7, बस यही क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना, कितना आसान, बहुत आसान है ना, तो इसको कर लेना। इसके अलावा अगर आगे बात करें, एक दूसरा नंबर है वो है 156, 156, उसको भी ऐसे गुणनखंड कर लेना। वैसे आप गुणनखंड करना जानते हो ना, 0 लेवल तो सीखे हो ना, गुणनखंड नहीं आता तो बता देना। अब हम कुछ नहीं करवाने वाले हैं, ये होमवर्क है, 156 का इसी तरह से करना, कर लोगे ना, मानते हैं हर कोई कर लेगा, क्योंकि बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं, गुणनखंड करके सिर्फ और सिर्फ लिख देना है बस। उसके बाद इसमें एक और भी है होमवर्क, इसको भी लिख लीजिएगा, 38 25, और एक है 5005, और एक है 380। ये सभी आपके लिए होमवर्क है, अगर इसी तरह का फैक्टर करोगे तो आसान हो जाएगा, ठीक ना, बात समझ रहे हो कि नहीं। देखिए ये संख्या 3 से कटेगी या 5 से कटेगी, बड़ी है ना, लास्ट में 5 है तो या तो 3 से कटेगी या तो 5 से कटेगी। विभाज्यता नियम अगर आपने पढ़ा होगा, कक्षा 8 में पढ़ाया था, अगर इनका योगफल जोड़ने पर 3 से कट जाता है तो मतलब ये 3 से कटेगी, नहीं तो 3 से ना कटेगी तो पक्का 5 से कटेगी, क्योंकि लास्ट में 5 है ना, 5 का विभाज्यता नियम होता है, जिस संख्या के लास्ट का डिजिट 0 या 5 हो वह 5 से कटती है। हाँ 2 से तो पक्का ना कटेगी, ये 3 या 5 से ही कटेगी, बाकी और किसी से जो है बहुत कम संभावना है। देखो 8 3 11 2 13 13 5 हो जाएगा 18, 18 कटेगा 3 से ना, यानी कि ये पहले 3 से कटेगी, काट लेना। तो इस तरह से आपका अभ्यास 1 का B का पहला का सारा सवाल हो चुका है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है साथियों, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या करना है, सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, निम्नांकित पूर्णांक के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तथा सिद्ध कीजिए कि इनका गुणनफल जो है वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। ये थोड़ा झमेला वाला सवाल है, लेकिन आसान है, आसान है, थोड़ा सा समझ लेना बेसिक से। और अगर अभी तक आपने पीवीआर स्टडी ग्रुप और पीवीआर स्टडी इलाहाबाद दोनों चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत कर लीजिएगा। सहायता के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारी टेक्निकल टीम आपकी हेल्प करेगी और आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। अगर आप इतना करके रखते हैं, और बेल आइकन जरूर ऑन करना, बगल में जो घंटी का निशान आता है, जिससे आपके मोबाइल की घंटी बज सके, आपको क्लास मिल सके, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, हमें लग रहा मार्कर बहुत अच्छा चल नहीं रहा, इसमें थोड़ा सा इंक डाल देते हैं तब फिर चलते हैं आगे। तो साथियों वो टॉपिक थोड़ा बड़ा है और इसमें ख़त्म नहीं होगा, इसलिए हम इसको अगले क्लास में शामिल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। उसमें क्या करना है, एक छोटा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, ये सब आप टेक्निकल जो भी यहाँ पर सिस्टम है, जो आपका कॉन्टेक्ट का सिस्टम है, उसको मतलब नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर डेली क्लास देखना है तो आपको मात्र 699 का पेमेंट करना होगा, 699 रुपये आपको पूरा 10th का मैथ मिलेगा, आपके व्हाट्सएप पर VIP सुविधा के साथ मिलेगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। नहीं देना है 1 रुपया मत दीजिए, यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर छोड़ दीजिए, मतलब यूट्यूब पर और फेसबुक पर, अनएकेडमी पर, तथा कहाँ पर, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आप हमारी फ्री की क्लास को देख सकते हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि जैसे कहा जाए 12 और 6 12 और 6, यही सिद्ध करना है। इनका जो एलसीएम है क्या है, एलसीएम और एचसीएफ, उनका गुणनफल इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो, यही सिद्ध करना है। तो इसका अगर आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम जानते हो क्या होता है, लासा, तो कितना आएगा भाई, छोटी से छोटी संख्या जिससे ये कट जाए, तो एलसीएम क्या आएगा,
मतलब जो इन दोनों से कटे यार, ऐसा नहीं होगा, 12 होगा ना, 12 इनका एलसीएम हमारे समझ से 12 होगा, और एचसीएफ अगर निकालोगे बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये कट जाए तो वो 6 होगा, है ना। ये क्या एलसीएम है, एचसीएफ है। एलसीएम एचसीएफ का गुणा करो 72 आ रहा है, इन संख्याओं का गुणा करो भी 72 आ रहा है, बराबर आ रहा है ना। यही सिद्ध करना है उसमें, अगला क्लास जरूर देखना, इन जानकारियों को नोट कर लीजिए। चलते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। और सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को, अगर फेसबुक पर हैं तो पेज को लाइक करके जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, अगली क्लास के लिए इंतजार करिएगा।